सो ही वॉज सब गाइस, कैसे आप सभी लोग अभी अच्छे और के भी अच्छे रहेंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करेंगे फिर एक अपकमिंग जय कैरेक्टर के बारे में। तो जय कैरेक्टर कब आएगा, कैसे आएगा, कहाँ पे आएगा और इसका एबिलिटी क्या होगा, सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, सारा कुछ जानना चाहते हो तो एंड तक जरूर देख लेना। और एंड तक देखने के बाद वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना एंड कुछ फैमिली के साथ शेयर भी कर देना। तो गाइस चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जय कैरेक्टर का जो रियल नेम है वो है ऋतिक रोशन। आप लोगों को पता होगा हमारा इंडिया का एक बहुत बड़ा हीरो है, तो इस बार हमारा इंडिया से एक कैरेक्टर आएगा। बहुत ही अच्छी बात है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा देख के। तो ये जो जय कैरेक्टर है ये आप लोगों को बहुत ही जल्दी गेम में देखने के लिए मिल जाएगा। 10 से 20 दिन के अंदर आप लोगों को गेम में देखने के लिए मिल जाएगा और बहुत ही ज्यादा चांस है 10 से 20 दिन के अंदर आने का। और फ्री फायर वालों ने भी बहुत सारे पोस्ट वगैरह करके रखे कि ये जो कैरेक्टर है जय कैरेक्टर है, ऋतिक रोशन का जो जय कैरेक्टर है, ये बहुत ही जल्दी हमारे गेम में आ जाएगा, बहुत ही जल्दी आ जाएगा। और बहुत दिन से तो बता रहा था कि 29 तारीख को शाम 7 बजे आ जाएगा, कुछ न्यू आएगा, कुछ अच्छा आएगा। तो यहाँ पे हमारा गेम पे एक बैनर आया था 7 बजे और बैनर पे लिखा हुआ था कि जय कैरेक्टर आएगा। और बहुत लोग सोच रहे थे कि 29 तारीख का शाम 7 बजे पूरा का पूरा कैरेक्टर ही आ जाएगा, तो ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ एक बैनर आया। बैनर पे लिखा हुआ था ऋतिक रोशन का जय कैरेक्टर आने वाला है, बहुत ही जल्दी आने वाला है। इनके साथ सारा कुछ बातचीत हो चुका है, मतलब सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है, डिजाइन वगैरह सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ लॉन्च करेगा मतलब गेम में शो करेगा, तो आ जाएगा हमारा जय कैरेक्टर। तो 10 से 20 दिन के अंदर आप लोगों को गेम में जय कैरेक्टर देखने के लिए मिल जाएगा। और अभी क्वेश्चन आता है कि कहां पे आएगा, तो ये वाला कैरेक्टर आएगा शायद टॉप ऑफ इवेंट पे, क्योंकि फ्री फायर में जितना भी न्यू कैरेक्टर आता है उनमें से 95% कैरेक्टर आ जाता है टॉप ऑफ इवेंट पे। और बहुत सारे कैरेक्टर स्टोर में भी आ जाता है, जैसे डीजे लोग स्टोर में आया था, तो ये वाला कैरेक्टर भी आप लोगों को टॉप ऑफ इवेंट पे देखने के लिए मिल सकता है और स्टोर में भी मिल सकता है। बहुत ज्यादा चांस तो नहीं है स्टोर में आने का, लेकिन स्टोर में भी आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। और स्टोर में आएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा इंडिया के लिए, क्योंकि स्टोर में जितना भी कैरेक्टर आता है बहुत ही अच्छा कैरेक्टर होता है, बहुत ही ओपी लेवल का कैरेक्टर हो जाता है। तो ये वाला कैरेक्टर भी अगर स्टोर में आएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि कैरेक्टर स्टोर में आएगा तो कैरेक्टर का एबिलिटी भी बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये वाला कैरेक्टर का एबिलिटी अच्छा होगा तो इंडिया के लिए भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जितना भी देश में फ्री फायर खेला जाता है सारे के सारे देश में लोग खेलेगा, देखेगा इस कैरेक्टर को और बोलेगा ये वाला कैरेक्टर इंडिया का है। तो ये दो ही जगह है जहाँ पे ये वाला कैरेक्टर आ सकता है, स्टोर में भी आ सकता है और टॉप ऑफ इवेंट भी आ सकता है। तो देखते हैं कहाँ पे आएगा। तो अभी बात करते हैं जय कैरेक्टर का एबिलिटी के बारे में। तो जय कैरेक्टर का जो एबिलिटी है ये अभी तक कन्फर्म नहीं है, मतलब फ्री फायर वालों ने अभी तक नहीं बताया है कि ये वाला कैरेक्टर का इस तरह का एबिलिटी होगा। तो मैं आप लोगों को जो भी एबिलिटी बताऊंगा ये बताऊंगा लिस्ट के हिसाब से, और लिस्ट के हिसाब से सही भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, और सही होने का ज़्यादा चांस है क्योंकि इस तरह का लिस्ट बहुत सारे टाइम पे सही हो जाता है। तो लिस्ट के हिसाब से वाला कैरेक्टर का एबिलिटी कुछ इस तरह का होगा, जो एसएमजी एमओ का गन है, मतलब जो MP40 EOMP इस तरह का, जो भी P90 वगैरह गन है, और जो शॉर्ट गन है, शॉर्ट गन का जो भी होता है M1887 और M1014 और जो भी गन है शॉर्ट गन है, और जो SMG का गन है, इस तरह का गन का जो रिलोड स्पीड ये वाला कैरेक्टर इंक्रीज कर देगा। तो लिस्ट के हिसाब से कुछ इस तरह का इस कैरेक्टर का एबिलिटी होगा, जो SMG का गन से एंड शॉर्ट गन से इस तरह का जो भी गन है उसका जो रिलोड स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब आप लोग जल्दी जल्दी रिलोड कर पाओगे। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पर इस तरह का गन से आप लोग खेलते हो, मतलब क्लोज रेंज में खेलते हो, तो आप लोग रिलोड होने की वजह से किल हो जाते हो, एनिमी आप लोग को मार देते, तो रिलोड स्पीड अगर जल्दी जल्दी हो जाएगा तो आप लोग एनिमी को मार पाओगे, बहुत ही आसानी से मार पाओगे। तो देखते हैं किस तरह का एबिलिटी होगा, अभी तक कॉन्फर्म नहीं है। और सबसे लास्ट में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो तो इस कैरेक्टर का स्टाइल कैसा होगा, मतलब डीजे लोग का जो स्टाइल होता है कुछ इस तरह का, और इस कैरेक्टर का कुछ इस तरह का स्टाइल होगा, यहाँ पे देख सकते हो लॉबी में कुछ इस तरह का दिखता है। तो आज का इस वीडियो में कुछ इतना ही इन्फॉर्मेशन था, तो आपको वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके बता देना, और जय कैरेक्टर के बारे में कुछ बोलना चाहते हो तो भी बता सकते हो कॉमेंट करके। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना एंड कुछ फैमिली को शेयर भी कर देना। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करने में पैसा वगैरह नहीं लगता है, सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्री में सब्सक्राइब हो जाता है, तो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद पास में एक बेल आइकन आता है, उसको भी दबा के ऑल पे सेट कर देना। तो इस वीडियो में इतना ही था, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।